भारत पाक सीमा पर 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। पंजाब बीएसएफ ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। घुसपैठियों के पास से AK-47 बरामद की गई है। AK-47 से बॉर्डर पर फायरिंग कर रहे थे। पंजाब में पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया गया है। भारत पाक सीमा पर 5 आतंकियों को ढेर किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत पाक सीमा पर 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। AK-47 से बॉर्डर पर फायरिंग कर रहे थे। पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। बीएसएफ ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो बीएसएफ के हाथ ये बड़ी कामयाबी, जहां 5 आतंकियों को बीएसएफ ने ढेर किया है। AK-47 से बॉर्डर पर ये फायरिंग कर रहे थे और पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम रही है। बीएसएफ के जवानों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। आपको बता दें, ये पंजाब में जो पाकिस्तान की साजिश रची गई थी, AK-47 से बॉर्डर पर फायरिंग कर रहे थे, इस साजिश को नाकाम करते हुए 5 आतंकियों को बीएसएफ के जवानों ने ढेर कर दिया है। घुसपैठियों के पास से AK-47 बरामद की गई है, जिससे वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। और अब पंजाब में पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया गया है। घुसपैठियों के पास से AK-47 बरामद किया गया है। लगातार सीमा पर फायरिंग की जा रही थी और अब बीएसएफ के हाथ की बड़ी कामयाबी लगी है। 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। AK-47 से बॉर्डर पर ये आतंकी फायरिंग कर रहे थे और पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत को बीएसएफ के जवानों ने ढेर कर दिया है। 5 आतंकियों को ढेर किया है बीएसएफ के जवानों ने। इनके पास से AK-47 राइफल मिली है, जिससे वो लगातार बॉर्डर पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन इस नाकाम साजिश को नाकाम करते हुए बीएसएफ के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है और 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। भारत पाक सीमा पर 5 आतंकी ढेर किए गए हैं। बीएसएफ ने 5 आतंकियों को ढेर किया। इनके पास से AK-47 राइफल मिली है, जिससे ये सीमा पर लगातार फायरिंग कर रहे थे और पाकिस्तान के एक और साजिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। भारत पाक सीमा पर 5 आतंकियों को बीएसएफ के जवानों ने ढेर कर दिया। और संवाददाता चेतन गुप्ता सीधे हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चेतन, लगातार बॉर्डर पर फायरिंग की जा रही थी, बीएसएफ के जवानों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, और क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरह से 5 आतंकी ढेर किए गए, निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकी घटनाएं घटने की संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि हम आपको बताते हैं जिस तरह दिल्ली में भी अबू यूसुफ करके आईएसआईएस का एजेंट गिरफ्तार किया गया, आतंकी गिरफ्तार किया गया, उसने कई खुलासे किए हैं। करीब एक भूमि राम जन्म मंदिर भूमि पूजन के एक महीने के अंदर वहां पर धमाके की योजना थी, वहां पर विस्फोट की योजना थी, ऐसा इनपुट मिले हैं। इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही। इधर जिस तरह से बॉर्डर पर जो आतंकी घटना घटी है, जिस तरह फायरिंग हुई है और बीएसएफ के जवानों ने 5 आतंकियों को ढेर किया, इनके पास AK-47 का मिलना अपने आप में तमाम सवाल खड़ा करता है। निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान जो रिश्ते हैं वो रिश्ते हैं और लगातार पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने काम कर रहा है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी छवि बिगड़ चुकी है। बावजूद इसके बार बार वो कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब में आतंकवाद एक समय काफी समय हो गया, जिस तरह से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका था, लेकिन इस घटना के बाद से एक बार फिर संभावनाएं पनप गई है कि आतंकवाद सिर उठा सकता है। जी बिल्कुल, और भारत के जो जवान है वो बिल्कुल एक्टिव है, सरहद पर सीमा पर तत्पर तैयार है। कोई भी ऐसी साजिश अगर पाकिस्तान करता है तो उसको नस्तानाबूद करने के लिए हमारे सेना पर है, यह समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए, जिस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की हम बात करें या ताजा मामला है पंजाब का सामने आया है, हमारे सशस्त्र बल जो हैं लगातार मुस्तैदी के साथ मुस्तैदी दिखाते हुए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। जो भी आतंकी हैं उनको ढेर किया जा रहा है। अगर हम पिछले दिनों की मोदी सरकार की बात करें तो लगातार सैकड़ों आतंकी ढेर किए गए, इसको लेकर कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ बौखलाया हुआ पाकिस्तान और लगातार वो घुसपैठ की साजिश कर रहा है। आतंकी सीमा से
भारत में प्रवेश करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस घटनाओं को देखते हुए लगातार गृह मंत्रालय भी चिंतित है और उनके सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है। अगर जो घटना मैं अभी आपको बता रहे थे कि जिस तरह दिल्ली में अबू यूसुफ करके आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया गया, उसने कई खुलासे किए हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। योगी सरकार ने अपने अफसरों को सचेत कर दिया है क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही निश्चित तौर पर लगातार इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। जी बिल्कुल, इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है जिसको लेकर लगातार हमारे जवान तो अलर्ट पर है। और जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली में भी आईएसआईएस का जो आतंकी है वो पकड़ा गया है। देखिए, एक तरफ कोरोना के कारण पाकिस्तान की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, अपनी स्थिति को सुधारने के बजाय अभी भी वो इस तरह की नाकाम साजिशें कर रहा है। देखिए, हम आपको बताते हैं शिखर, जिस तरह की घटनाएं हो रही लगातार, हम आपको बताते हैं पाकिस्तान की आर्थिक और माली हालत पूरी खस्ता हाल है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी छवि खराब हुई है, चाइना से उसकी दोस्ती अपने आप में एक बड़ा पैगाम देती है, एक मैसेज देती है, कहीं ना कहीं वो भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत पे कहीं ना कहीं भारत का नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास वो करता नजर आता है। ये समय समय देखा गया है। इस बार जो घटना ये घटी है, बीएसएफ के जवानों ने आतंकियों को ढेर किया है, निश्चित तौर पर बड़ी घुसपैठ थी जिसको नाकाम किया है हमारे सशस्त्र बलों ने। और जिस तरह से आईएसआईएस का एजेंट गिरफ्तार किया गया, आतंकी गिरफ्तार किया दिल्ली में, और उसने कहा है कि राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन हुआ था इसके एक माह के अंदर वहां पे विस्फोट की योजना थी, उसको धमाके की योजना थी, उसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद से लगातार स्पेशल सेल जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है उस आतंकी से, और उसके बाद तमाम अब इनपुट्स आउट निकल के आएंगे सामने, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं लगातार ये हो रही हैं निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है। और ऐसे माहौल में जब कोरोना को लेकर पूरा देश जूझ रहा है, लड़ रहा है, और ऐसे समय पर ये घटनाएं निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली होंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चेतन आपका तमाम जानकारी के लिए। वही दिल्ली से हमारे संवाददाता संजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से दिल्ली अब और ज्यादा अलर्ट पर हो गई है और इसी बाबत जो आईएसआईएस का यह आतंकी गिरफ्तार किया गया है, नोएडा को भी, पूरे उत्तर प्रदेश को भी अलर्ट पर रख दिया गया, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में जिस तरह से यह आतंकवादी पकड़ा गया, आईएसआईएस का यह मॉड्यूल है, और आईएसआईएस का मॉड्यूल यहाँ पर पहले ही सुरक्षा बलों ने अलर्ट जारी किया था कि दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कोशिश कर सकते हैं, तो उसको लेकर वहां पर स्पेशल सेल ने उनके साथ लगातार एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के बाद जो एक आतंकी पकड़ा गया, आतंकी के पास से 15 किलो के डोनेटर और उसके अलावा दो प्रेशर कुकर मिले हैं, और उसमें ये एक बड़ी घटना को साजिश देने के अंजाम की जा रही थी। सबसे बड़ी बात है कि जिसके ये जो युवक पकड़ा गया है वो यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। यूपी के बलरामपुर पे भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल छापेमारी करी है, और इसके अलावा जो उसका दूसरा साथी वो भी फरार है। फिलहाल वो भी बिल्कुल एक्टिव है कि कहीं भी अगर कोई ऐसा संदेह होता है तो वहां जांच भी की जाती है। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए।